जैसे अभी यहाँ बात हो रही थी कि सिद्दीकीन जो है आपने इसकी मिसाल भी दी हज़रत है सिद्दीक जैसे ही तालीमत आती या जैसे ही पहली वही आई उन्होंने उसे बगैर किसी सवाल के मान लिया तो आजकल के दौर में अगर इस्लामी तालीमत के लिहाज से भी देखें या बाकी मज़हब के लिहाज से भी देखें अगर आजकल कोई ऐसे करता है तो उसे तो जाहिल कहा जाता है कि कोई सवाल ही नहीं करता हाँ देखिए बात बहुत अच्छी बात आपने कही है नफीस इंसान जो है अबू सिद्दीक ने वैसे सारी ज़िंदगी कोई सवाल नहीं किया लेकिन सबसे ज़्यादा दीन को समझने वाले थे हमारे यहाँ पा, पाकिस्तान में एक फ़जा पैदा हुई है जो ज़्यादा बातें करे, मजाक उड़ाए तंज करे तारीस करे वो चल उछल कर बात करे उसको समझाता जाता है ज़हीन आदमी है ये ज़रूरी नहीं है ज़हीन भी हो ऐसे भी जहीन होते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बल्कि हमारी पुरानी तहजीब में ये बात मानी जाती थी कि जितना जर्फ होगा उतना ही खामोश रहेगा ठीक है ये कोई बुरी बात नहीं थी अब चूंकि हमने सारी दुनिया का रुख तब्दील कर दिया अब वेस्ट के असरात की वजह से हम उन लोगों को जहीन समझते हैं जो इतराज़ कर रहे हैं सवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों हालांकि पहले ज़माने में खामोश लोग ज़्यादा अच्छे समझे जाते थे ज़्यादा गहरे समझे जाते थे एक तो ये बात है इस तब्दीली के अतबार से आपको परेशान नहीं होना चाहिए दूसरी ये बात है कि जितने भी इंसान हैं जैसे ही आप बात सुनते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती ठीक है अब इस पर सवाल करने की क्या ज़रूरत है अगर किसी के जहन में सच्ची बात के ऊपर भी सवालात पैदा हो रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर ख़राबी हो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमन है हो सकता है उसके अंदर भी खराबी हो तो सच्चाइयों के ऊपर सवालत की वजह क्या होती है उस पर गौर करना चाहिए वो सूरह अल बकरा यही बताने आई है कि सच्चाइयों के ऊपर मानी हुई बातें पहले इकरार किया आपने अब इनकार कर रहे हैं ये सूरत हाल हो रही होती है तो उसकी वजह ये नहीं होती कि पहले गलत इकरार किया था और अब सही इनकार कर रहे हैं उसकी वजूहत अंदर की नफसियात के मसाइल हैं इंसानों के साथ ये बड़ा अजीब मसला है। कि वो अपने नफ्स को समझ नहीं पाते बात तकबर आ रे आ रहा होता है तसुबात हो रहे होते हैं अपने आबा अजाद के दीन के साथ मोहब्बत हो रही होती है अपनी सुनी सुनाई बातों के साथ इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो मुश्किल पैदा कर रही है वो साइंस पैदा कर रही है। साइंस ने इतना अतमाद पैदा कर दिया अपना कि उसके जो थ्रेरेटिकल पहलू हैं वो भी हकीकत माने जा रहे हैं क्योंकि उसकी ये मेरा माइक अब देखिए पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को नजर कर रहा है ये साइंस है अच्छा इस इसकी टेक्नोलॉजी ने हमारे जहनों को इतना मुतासर कर दिया है कि वहाँ साइंस का मौलवी कोई बात करता है तो हम कहते हैं क्या बात है यही बात दुरुस्त होगी और कुरान की बात को गलत कह देते हैं ये हो रहा है तो किसने अतमाद दे दिया साइंस की टेक्नोलॉजी की कामयाबी ने उनकी थ्रेटिकल बातें जो अभी वो सोच रहे होते हैं उनके हाइपोथिस होते हैं हमारे यहाँ हम वो हकीकत के तौर पर माने जा रहे होते हैं तो ये रवैया इंसान कमज़ोरियाँ हैं हमारी मुझे याद है मैंने जब जुमा पढ़ाना शुरू किया तो मेरी मस्जिद में सारे बरेलवी ही आते थे पूरे मोहल्ले में रहती वही तो दो एक अहले हैं जो आते हैं और दो एक देवबंदी हैं गाल बाकी महल्ला ब्रेलवियों का है तो मैंने जब शिर के ऊपर एक दिन बात की तो बैठ गया सवालत के लिए तो एक साहब कहते हैं जरा मुझसे बड़े थे उम्र में कहने लगे मैं तेरी गल मानना सत्तर सत्तर साल के यहाँ की गल ना मानना उसके लिए दलील है उसको कुरान दलील लगती नहीं एक आदमी सत्तर साल से दीन की खिदमत कर रहा है तो कहता है मैं उसकी बात मानूँगे तुम्हारी बात मान मानूँ उस वक्त मेरे बाल काले थे अभी तो ये सूरतयाल है तो दलील क्या है आदमी के लिए वो कई वजह होती है हम नहीं जान सकते कि उसके उसकी रुकावट क्या बन रही है इसलिए फिर अब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि वो फैसला करेगा कि इसने गलत फैसला किया था सही किया था लेकिन भारत ये तीन सवाल आएँ जो एक एक करके ले लेते हैं इंसान के बस में नहीं है कि वो पिछले ख्यालात को जहन से निकाल कर कुरान पढ़ सके ये कैसे मुमकिन है बहुत अहम सवाल है जी बिलाशुबा इंसान अपने पुराने ख़याल को छोड़ कर उसको छोड़ना चाहिए भी नहीं अगर मैं अपना सारा इल्म जो है दुनिया का वो फरामोश कर दूँ तो एक लफ्ज़ नहीं समझ सकूँगा तो अपने पुराने इल्म की वजह से ही हम अगली नई बातें सीखते हैं होना ये चाहिए कि जब कुरान से कोई ऐसी बात समझे जो हमारे पुराने अकीदे को पुराने किसी नज़रिए को तोड़ रही तो उसको तोड़ने को तैयार हो जाए बस ये मंजिल भी अगर आप हासिल कर लें तो बहुत बड़ी मंजिल है कि कुरान मजीद की सच्ची बात मुझे जब तब्दील करना चाहे तो मैं तब्दील हो जाऊँ ये सराते मस्तकी है यही सही रवैया है ये बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं पहली बात कैसे छोड़ लूँ अलबत एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम अपने माहौल ही के अतबार से चीज़ों को देख और समझ रहे होते हैं उसमें से निकलना बात आसान नहीं होता कि कुरान मजीद की कई आयतों की तफसर उन कहानियों ने उन रवायात ने बना दी जहन बना दिया हमने उसी रोशनी में कुरान को समझा कुरान ने लफ् बदल बदल के बात कही होती है तो जहन जाते नहीं उधर ये रुकावट नहीं बननी चाहिए इसके लिए पहले से मौजूद ख़्यालत को छोड़ कर कुरान पढ़ना चाहिए कुरान ख़ुद क्या कह रहा है रुक रुक कर देखें कि उसने अलहमद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है उसने रबालमीन का लफ्स क्यों इख्तियार किया है ये प्रोसेस करना पड़ता है हम इसके लिए हमारे जो फ़िक्र फ्राही के असूल हैं उनको इसलिए इख्तियार करते हैं कि वो हमें लफ्ज़ों के साथ चलने का कलाम के साथ चलने का सबक देते हैं इसलिए हमारे मकतब फ़िक्र ने कई नई चीज़ें दरयाफ्त की हैं इस शौक़ में नहीं कि नई चीज़ें दरियाफ़त करनी चाहिए सिर्फ़ इस असूल की वजह से कि हम ज़ुबान के साथ चलते हैं कलाम के साथ चलते हैं अपने माने हुए नज़रियात को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं किस्सा यूसफ में जाकर मैं अगर ज़िंदगी रही और ये सिलसिला चलता रहा तो बताऊंगा कि किस्सा यूसुफ जो मशहूर कहानी थी और सुरायल फील की तफसीर में बताऊंगा कि जो मशहूर कहानी थी उसने लफ्ज़ों के मानी समझने में रुकावट बन गई किस्सा यूसुफ में आपने सुना होगा ना कि हज़रत यूसुफ ने जानबूझ के अपना बर्तन अपने भाई बिनी के कजावे में रख दिया और फिर ऐलान करा दिया कि चोर चोरी हो गई है फिर हजरत बिनियामीन को रोक लिया यही सुनी उन्हें कहानी कुरान मजीद ये कहानी नहीं बताता कुरान मजीद कहता है कि हज़रत यूसुफ़ ने अपना पीने का बर्तन गिलास हज़रत यूसुफ़ के सामान में रखा उधर बादशाह का पैमाना चोरी हो गया एक है सिकाया एक लफ्ज सुआ बादशाह का सुवा चोरी हुआ है हज़रत यूसुफ़ ने सिकाया रखा था बादशाह के हरकारों ने आकर कहा कि देखो चोरी हो गई है हम सामान की तलाशी लेना चाहते हैं बादशाह का पैमाना नहीं निकला हजर यूसुफ़ का शिकाया निकला है और अल्लाह ताला कहते हैं कितना कजाली का कितना ले यूसुफ़ ये प्लानिंग हमने यूसुफ़ के लिए की थी हजर यूसुफ़ ने सिर्फ शिकाया रखा था और कुछ नहीं किया ना चोरी का ऐलान किया ना पकड़ने की कोशिश कुछ, कुछ नहीं किया लेकिन हमारी कहानी इतनी मौसर है हमारे ऊपर कि हम हज़रत यूसुफ़ को नंबिया में शामिल करते हैं जिन्होंने झूठ बोल के अपने भाई को पकड़ा नौजबिल्बालिक तो लफ्स लफ्स बदले हैं कि बादशाह का पैमाना यानी मापने का जो पीपा होता था आजकल हमारे बचपन में पीपा कहा जाता था जिसमें गंदम मापते थे एक पीपे में गालबन सात आठ शेर गंदम आ जाती थी तो पीपा जो है वो बादशाह का गुम हुआ है और हज़रत यूसुफ़ ने सिकाया रखा हुआ क़ुर अल्फाज बदले हैं ज़मीरें बदली हैं मुजक्कर मौना ज़मीरें नहीं तो ये मसला हो जाता है और मौना इसलाही जैसे आदमी नहीं पकड़ सके हालांकि मौना फ़राही इसको बयान कर चुके थे और मरल एक सवाल आप लोग कर लें फिर इधर आ जाता हूँ मैं यहाँ तीन सवाल हैं